सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे, और आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह के फजल और करम से आप ठीक होंगे तो हम भी अल्लाह के फजल और करम से ठीक ठाक हैं। चलें जी, आज भी हम बनाने वाले हैं बड़ा ही प्यारा सा हेयर स्टाइल, तो चलते हैं अपने हेयर स्टाइल की तरफ। चलें जी, तो पोजीशन हमने सेट कर ली हमेशा की तरह, ये तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है पोजीशन सेट करना, क्योंकि पोजीशन सेट नहीं होगी तो आप लोगों को किस तरह से अच्छे से नजर आएगा। हम लोगों ने पोजीशन सेट की, और उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने ऑफ कैमरा बालों को अच्छी तरह से कंघा कर लिया था। कॉमिंग करने के बाद हम लोगों ने इस वाली साइड से यहाँ से बाल उठाए थोड़े से, और बाल उठाने के बाद हमने जी सादी चुटिया बनाना शुरू कर दी, जिसे सिंपल ब्रेड कहते हैं, वो हमने बनाना स्टार्ट कर दी। और जी अब हम इसको इतना बना लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है बनाने की, इतनी जो है ना वो हम ब्रेड जो है वो बना लेंगे। सादी चुटियाँ सबको करनी आती है, और आजकल तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, मुश्किल कोई नहीं, मुश्किल वाला काम बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने सुस्ती नहीं दिखानी हेयर स्टाइल बनाते वक्त, लेजीपन बिल्कुल नहीं दिखाना, बड़ी चुस्ती के साथ जो है ना वो हेयर स्टाइल बनाने हैं आप लोगों ने, और सीखने हैं आप लोगों ने हमारे साथ। ये जी हमने इतनी ब्रेड बना ली, अब जी हम इसको रबर बैंड लगा देंगे, इसको अच्छी तरह से रबर बैंड लगा के सिक्योर करेंगे, ताकि हमारी ब्रेड जो है वो ओपन ना हो जाए और हमारी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। ये देखिए, अच्छा जी, अब हम लोगों ने ये हेयर टूल यूज करना है। ये हेयर टूल जो है वो बहुत ही इजीली आप लोगों को मार्केट से भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे मार्केट से नहीं मिला था, सो मैंने क्या किया, मैंने द्रास ऑनलाइन से जो है ना वो मंगवा लिया था मैंने, और ये जो हमें है वो एक पैकेट में हमें 4-5 चीज़ें मिली थी, है ना जी। सो इसी इसका ही जो था एक बिग साइज था, ये स्मॉल साइज है, और टेलकॉम मिली थी, और भी कुछ 2-3 चीज़ें थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही। और सस्ती मिल गई थी, बहुत ज़्यादा चीप प्राइस में मिल गई थी, कोई इतनी महंगी भी नहीं है। आप लोग भी लेके ये रख लो, इससे ये होगा कि आप लोग आसानी से जो है ना वो हेयर स्टाइल बना लेंगे। अब हमने ये वाली साथी ब्रेड जो की थी ना, हमने वो कर ली, यहाँ से अब हम बाल उठा रहे हैं, एक एक लट करके ना हम उठा रहे हैं, और हम अपनी ब्रेड में उसको ऐड करते जा रहे हैं 1 by 1 करके। ये देखिए इस तरीके से किया, यूं इसको बाई की तरफ खींच लिया। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को जो है कैसे हेयर स्टाइल पसंद है, मतलब जैसे कि मैं हूं ना, मुझे हेयर स्टाइल पसंद आते हैं कि मेरे फेस पे कोई बाल ना हो, मतलब सारे बाल मेरे फेस से कवर होने चाहिए, फिर मैं सुकून में रहती हूँ। जिस हेयर स्टाइल में बाल जो है वो आगे की तरफ आते हैं ना, वो हेयर स्टाइल मेरे लिए एक मुसीबत बन जाती है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़ी। हालांकि जब मैं छोटी थी तो जो मेरी मम्मा थी वो मेरी बेबी कटिंग करके रखती थी, मतलब कि आगे से बैंग्स काट के ना वो रखती थी, वो बड़े अच्छे भी लगते थे मुझे, और बड़ा शौक होता था, और मैं बड़े ही चाहे वो जितने भी आंखों में जा रहे होते थे बट मैं आगे ही रखती थी उनको, क्योंकि मुझे बहुत शौक था। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, आप बड़े होते जाते हैं, तो आपकी चॉइस भी जो है वो बदलती रहती है। सो अब मैं, दिल तो मेरा वैसे अब भी आजकल चाह रहा है कि मैं आगे से बैंग्स कटवाऊँ और मैं इस तरह करूँ, लेकिन मुझे पता है मैं उनको कैरी नहीं कर पाऊँगी और वो मेरे बाल भी ख़राब हो जाएंगे, जाहिर बात है कि बाल छोटे हो जाएंगे, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बालों को कटवाना जाना ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं कहती हूँ कि जैसे हैं वैसे ही इनको रहने दो, इनके साथ जो है ना वो ज़्यादा छेड़छाड़ ना करूँ तो अच्छी बात है। ये हमने आगे से जितने भी हमारे बाल थे ना, ये हमने अपने ब्रेड के अंदर इनको ऐड कर लिया है। और आप सब लोग इतना प्यार करते हैं, जो आप लोग इतना प्यार करते हैं उस प्यार के लिए आपको
दिल से जो है वो थैंक्स, और इस तरह ही हमें प्यार करते रहें, सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सपोर्ट किया करें, बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें, और दिल से दुआ भी दिया करें। क्या पता है किसकी दुआ में कितना असर हो जाए, किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए, और सबकी मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाए। तो सबके लिए दुआ किया करें और सबको खुश रखा करें। ये देखें जी, ये हमने सारी यहाँ से लट्टे उठा उठा के हमने अपनी ब्रेड में डाल ली हैं, और अभी ऐड करते जा रहे हैं। जब तक हमारा दिल ही ना भर जाएगा तब तक ऐड करते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से, मुझे लगता है कि इतनी बहुत नहीं है जी, है ना। एक और डाल लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा अच्छा सा जो है ना वो हेयर स्टाइल की लुक आ जाएगी। जी अब इधर से हम लोगों ने जो है ना ब्रेड बनानी शुरू कर दी है। जैसे हमने राइट साइड पे किया था सेम हम लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं, और फाइनल लुक से आपको इसकी जो है ना पता चलेगा ये हेयर स्टाइल का कि ये कितना अच्छा हेयर स्टाइल है।
चले जी, तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा यार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।